पुस्तक तिब्बत का रहस्यमय योग व अलौकिक ज्ञानगंज, लेखक श्रीमद् शंकर स्वामी, भाग 5। दोस्तों, मेरा नाम है पूजा चौधरी। स्वागत है आपका फैक्ट्स गाइड चैनल में। इस चैनल पर आपको इतिहास, सनातन धर्म तथा आध्यात्म से जुड़े हुए वीडियोस देखने को मिलते हैं। मैं लाई हूँ आपके लिए तिब्बत का रहस्यमय योग व अलौकिक ज्ञानगंज, श्रीमद् शंकर स्वामी द्वारा लिखित। इस पुस्तक में से मैंने भाग 1 से भाग 6 तक पूरी पुस्तक में से संक्षेप में तैयार किया है। तो पुस्तक से अति महत्वपूर्ण वर्णन लेकर मैंने इसके 6 भाग तैयार किए हैं। बाबा जी महाराज का अवतरण। भारत के साधक साधिकाओं के बारे में जो लोग भी जानकारी रखते हैं, उन्होंने निश्चय ही बाबा जी महाराज का नाम सुना होगा। योग जीवन के चरम शिखर पर आरूढ़ कालजयी प्राचीन देही हैं। वे 19वीं शताब्दी के गृह योगी श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय के योगी गुरु यही बाबा जी महाराज। वे अपने शिष्य दल के साथ हिमालय के दिव्य मंडल में अदृश्य रूप में विराजते हैं। भक्तों की पुकार पर वे दृश्य रूप में अवतीर्ण होते हैं। अगले दिवस यथा समय में सुविशाल आश्रम प्रांगण में गुफावासी, साधक, सन्यासी, लामा इत्यादि सभी उपस्थित। एक बार गगनभेदी टंकार की आवाज हुई। उसके बाद एक साथ सभी की दीर्घ श्वास में ओमकार ध्वनि से आकाश पाताल तक प्रकंपन हो गया। ऐसा लगा मानो पूरा आश्रम स्पंदित हो रहा हो। अब ध्वनि तरंगे क्रमशः मंद होते होते शांत हुई। सब शांत। अब सभी ध्यान मग्न हैं। 300 से अधिक साधकों की उपस्थिति फिर भी इस मुहूर्त में नीरवता विद्यमान है, गहन स्तब्धता। देख रहा हूँ इस गुप्त मठ में रहस्यमय तरीके से स्वच्छ बादल उतर कर आ रहे हैं। लगा जैसे कोहरा छा रहा हो। साधक समाज की उपस्थिति में पद्म गंध की हल्की सी खुशबू फैल रही है। इस मुहूर्त में मेरी चिंता, चेतना, स्फूर्ति और उल्लास मानो तीव्र होकर तीव्रतर हो गई। अब बेल की फूल की खुशबू भर गई। देखते ही देखते कोहरे को भेद कर ऊर्ध लोक से एक प्रकाश पुंज केंद्र में स्थापित वेदी पर उतर रहा है। साथ में अभिनव प्रकाश के रंग बिरंगे गोले उड़ रहे हैं। प्रकाश पुंज मानो इंद्रधनुष के रंग में रंगा। प्रकाश पुंज अब आकार ले रहा, रंग भी बदल गया, अब उज्जवल नीला। प्रकाश के गोले अब चक्राकार घूमने लगे। आहा, आलोक गोले अब मानवाकृति में बदलने लगे। आकृति अब स्पष्ट। पलभर में केंद्रस्थ वेदी पर आविभूत हुए दीप्त तेजो में 14 से 15 वर्ष के एक किशोर, इतने सौम्य, इतने सुंदर, सुमधुर, दुर्लभ रूप को मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। जटा मूछहीन, दाढ़ीहीन, उज्जवल किशोर मुखमंडल, उन्नत वक्ष, लंबित भुजाएं, अर्धनिर्मिलित चक्षु, शरीर पर सुंदर रेशमी चादर, लगा जैसे उनकी ऊंचाई लगभग 7 फुट रही होगी। अक्षिपट से दीप्त तेज फैल रहा था। असाधारण अनुभूति हो रही थी उस तेज से। उपस्थित संतगण सभी नीरव निशब्द। शाब्दिक भाषा का प्रयोग का प्रश्न ही नहीं था। बाबा जी महाराज के सानिध्य में सभी के अंतर मन में अनेक प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। लगा जैसे उन्होंने गर्दन घुमा घुमा कर सभी का अवलोकन किया। शायद मैं ही वहां दृष्टा था, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं। उनके आविर्भाव से मैं अभिभूत, विस्मय से स्तंभित। फिर देखा कि होली के अबीर की तरह कुछ एक चीज सभी मुट्ठी में भर भर कर बाबा जी महाराज की वेदी की ओर उड़ा रहे हैं। दिव्य कैवल्य मेरे साथ ही बैठे थे। उसने एक पैकेट खोलकर मुझे दिया। ये वैसी ही पोटली है जिसे कलकत्ते में बेलेघाट के श्यामू ने
बेंगलोर से लाकर मुझे दिया था कि मैं उसे योगी लामा जी को उपहार स्वरूप भेंट करूं। श्यामू यानी कि श्याम सुंदर सरकार प्रेरित चंदन पाउडर को अबीर की तरह बाबा जी महाराज पर उड़ाने लगा। दिव्य सुगंध से वातावरण भर उठा। क्या थी वह सुगंध, समझा नहीं सकता। एक लयबद्ध अति मृदु स्वर में दैवीय ध्वनि गूंज रही है। बाबा जी महाराज अकेले नहीं, पार्षदों के साथ उतरे। हमारे लिए वे सभी अति मानव। 300 वर्ष से अधिक साधकों का समारोह, उनका स्पष्ट स्वतंत्र अस्तित्व, साधकों के अंतर्मन का भाव, सभी की आंखों और चेहरे की अभिव्यक्ति में परम शांति, कृतज्ञता से गदगद, किसी के आनंद अश्रु तो किसी के होंठ कांप रहे। इस समय सभी के दिव्य भावावेश की व्याख्या के लिए शब्द नहीं। मुझे तो लगा मानो सब कुछ हार चुका। अभिषेक के दौरान वास्तव में देखा बाबा जी महाराज के नाभि चक्र, मणिपुर और हृदय अनाहत दोनों चक्र फैन के पंखों की तरह घूम रहे हैं, जिसे प्रत्येक साधक अनुभव कर पाता या अंतर चक्षु से देख पाता। धुएं की तरह उड़ रहे चंदन पाउडर में बाबा जी अस्पष्ट दिख रहे थे। प्रायः 1 घंटे तक अभिषेक चला। अब चंदन पाउडर की धुंध के बीच मेघपुंज का आकार बना। उस मेघपुंज ने क्रमशः बाबा जी महाराज को ढक लिया। अब कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। मेघ आसमान की ओर उठने लगा और देखते ही देखते वह नीले आकाश में विलीन हो गया। हमारे सम्मुख वेदी जिस पर बाबा जी महाराज उपविष्ट थे, अब वह रिक्त स्थान है। रिक्त वेदी पर पाउडर और नाना प्रकार के पुष्पहार विन्यस्त। सभी साधक लामा सन्यासी पूर्ण परित्रप्त व प्रसन्न हुए। तोकलांग यात्रा शालम सिद्धाश्रम से प्रायः 30-35 किलोमीटर दूर एक मठ, नाम तोकलांग गुफा, हिमाच्छादित अति दुर्गम घाटी है ये। सारा रास्ता उस समय भी तुषाराव्रत था। कहीं कहीं बस मिट्टी पत्थर दिखाई दिया, प्रायः संपूर्ण तुषारमय कहा जा सकता है। यहाँ 1200 किशोर तरुणों का यौगिक संस्कार होना था। शालम सिद्धाश्रम के व्यवस्थापक पांगलू जी संस्कार कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। दिव्य कैवल्य ने कहा इस स्थान पर संस्कार किस तरह से होगा, संस्कार की प्रक्रिया पद्धति के बारे में कुछ बताओ। उसने कहा पांगलू जी के साथ जाइए, साक्षात अनुभव कर आइए, नई तरह की अभिज्ञता होगी आपकी। 14 से 16 वर्षीय किशोर तरुणों को संस्कारित कर उनका उक्त आश्रम में ही 5-6 वर्ष तक विद्याध्ययन होगा। बाद में वे गृहस्थ आश्रम में लौट जाएंगे। जो सांसारिक जीवन में नहीं लौटेंगे उन्हें 5-6 वर्ष तक पढ़ाने के बाद शालम सिद्धाश्रम लाया जाएगा। शालम मठ में इस वर्ष इस तरह के 42 नवीन साधक आएंगे। पांगलू जी उन्हें अपने साथ लाने के लिए ही तोकलांग जाएंगे। संस्कार अनुष्ठान में मेरे जाने का आग्रह जताने पर पांगलू जी के साथ मेरी यात्रा की व्यवस्था की गई। यात्रा की पूर्व संध्या पर मेरे शयन कक्ष में दिव्य कैवल्य ने अंकोल तेल से मेरी खूब मालिश की। अंकोल के प्रभाव को पूर्व में भी अनुभव किया है, इससे स्वास्थ्य और तापमान में भी समता बनी रहती है। अंकोल के मूल से मैं भी स्वयं दर्द नाशक तेल बनाता हूँ। शिवलिंग पर्वत गौमुख के ऊपर परिक्रमा काल के दौरान मैं एक बार बर्फ के अंदर गिरकर प्रायः 1.5 घंटे तक फंसा रहा। बाद में रस्सी से बांधकर सहयात्रियों ने मुझे बाहर निकाला, नहीं तो उसी समय मेरी तुषार समाधि हो जाती। लौटकर आने के बाद कमर और नीचे का हिस्सा एकदम सुन्न पड़ गया। 3 महीने तक हरिनाम धाम आश्रम हरिद्वार के अवस्थान कर श्री रामकृष्ण सेवाश्रम कनखल अस्पताल की चिकित्सा से चलने योग्य हुआ। शीत ऋतु में आज भी कमर में दर्द का अनुभव होता है। अब मैं खुद ही अंकोल तेल बनाकर नित्य मालिश करके ठीक हूँ।
आज भी ठंड के लिए एक शीशी तेल बनाकर रखता हूँ। दिव्य कैबल ने बताया कि यह तेल तांत्रिक विधि से अंकोल के बीज से संग्रहित किया जाता है, जड़ से नहीं। विशेष पद्धति से यह तेल निष्कासित होता है। अंकोल बीज भारत से ही संग्रहित और प्रेरित है। भोर के समय पांगलू जी के साथ यात्रा शुरू हुई। पांगलू जी 30 से 40 वर्षीय, अवश्य उनकी प्राकृतिक उम्र के विषय में नहीं बता पाऊंगा, कारण कि उम्र का अनुमान लगाने में बार बार अनेक बार मैं भ्रमित हुआ। योगी जनों और उनके गंभीर व्यक्तित्व के कारण अमोघ आकर्षण होता है। चेहरे पर साधना की आभा होती है, एक दो बार से अधिक बात नहीं करते, अत्यंत स्वल्पभाषी, इसलिए उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में जानने का कौतुक होने के बावजूद आग्रह नहीं दिखाया। बाद में दिव्य केवल से सुना कि शालम मठ में वे 70 से 72 वर्षों से व्यवस्थापक के दायित्व पर हैं। सिर्फ हम दोनों के ही चलने की थप थप आवाज सुन रहे हैं तो केवल हृदय स्पंदन और श्वास की गति। पहले ही बता चुका हूँ कि पांगलू जी शांत होकर पथ पर चला करते हैं, बिना प्रयोजन के बात नहीं करते, इसलिए मेरे अहेतुक प्रश्नों का जवाब नहीं देते। दिव्य कैवल्य के साथ मैं प्रगल्भ था, यहाँ पांगलू जी के गंभीर के सामने संयत हूँ। वे संकेत इंगित इशारे से काम चलाते, अनेक बार उनकी आंखों की भाषा से ही समझ लेना पड़ता था। बड़े ही नम्र मनुष्य हैं। इस तरह लोकतांग गुफा में पहुंच ही गए हम। वहां पर अभिनव यौगिक संस्कार कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षक से मैंने वार्ता की तो प्रशिक्षक से मैंने कहा, बहुत ही सुंदर है तिब्बत की यह जीवन शैली। प्रशिक्षक बोले, ये समस्त शिक्षा भारतवर्ष के योगियों की ही देन है। ये पद्धति भारत से ही मिली है। तिब्बती योगियों ने नया कुछ नहीं किया, तिब्बत ने परंपराओं को चालू रखा, बस यही समझ लो। तिब्बती प्रशिक्षक की यह बात सुनकर आत्मग्लानि से भर गया। हमारे देश की निजस्व चीजें ही आज अनादर अवहेलना से विस्मृत होकर रसातल में चली गई। विशेषतः विदेशी शिक्षा के लालच में ये सब प्राचीन भारत की उपयोगी शिक्षा पद्धति आज अपने ही देश में विलुप्त है। जानता हूँ, हे अतीत तूमी भूबने भूबने, काज कोरे जागो गोपने गोपने। भले ही किसी और देश में हो, भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति आज भी खत्म नहीं हुई है, बची है गहन तिब्बत में। प्रशिक्षक का नाम किसी तरह उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। तिब्बती ऊट पटांग नामक सटीक उच्चारण न कर पाने के कारण यहाँ प्रशिक्षक कहकर ही उल्लेख कर रहा हूँ। तोकलांग गुफा में तिब्बत के संस्कार प्रक्रिया परिदर्शन के बाद 42 युवकों का दल लेकर पांगलू जी के साथ हम शालम मठ वापस लौटे। यहाँ पर 42 जन संन्यास लेंगे, साथ ही परवर्ती अध्याय का पाठ भी। शालम मठ में ऊर्ध्वरेता साधन। उस दिन महायोगी महामानव युत्सुंग लामा जी की उपस्थिति में योग के उच्चांग प्रयोग कौशल को देखा। 24 योग्य अधिकारियों को प्रयोग कला सिखा रहे थे श्रृंगपा, इसलिए तोकलांग से लाए गए नवीन युवकों का संस्कार नहीं देख पाया। तीसरे ही दिन हम नवीन युवा सन्यासियों के प्रशिक्षण केंद्र जा रहे हैं। देख रहा हूँ आज उनका सिर मुंडा हुआ है। मेरे प्रशिक्षण केंद्र पहुँचने से पहले ही उनकी योग क्रिया आरंभ हो चुकी है। सभी 42 युवा सन्यासी विशेष भंगिमा में बैठे हैं। 21 युवाओं ने बाएं पैर की एड़ी को मूलाधार में दबाकर दायां पैर लंबाई में फैलाकर रखा है। मूलबंध, महाबंध, जालंधर बंध लगाकर नाड़ी के आकर्षण से शक्ति केंद्र मूलाधार से कुंडलिनी की ओर खींच रहे हैं। प्रशिक्षक ने कहा, ये सभी कुंभक मुद्रा में हैं और अन्य 21 लोग उनकी सहायता करेंगे। इसके बाद प्रति एक दिन के अंतर से एक एक चक्र, ग्रंथि या पद्म भेदन का कौशल सिखाया जाएगा। सहस्त्रदल कमल तक पहुंचने में 2 से 3 माह का समय लगेगा। मैंने जानना चाहा,
आज के 42 नवीन साधक जनों के बीच कितने चरम शिखर अज्ञात अर्थात आज्ञा चक्र भेदन में समर्थ होंगे? उन्होंने उत्तर दिया, मैंने बताया तो आज्ञा चक्र भेदन अवश्य ही परमात्मा की अनुकंपा और अपने सौभाग्य के बल पर ही किया जा सकता है। हृदय केंद्र में ये सभी उन्नत होंगे, यह तय है। शक्ति चालन में भी इनकी तीव्रता है। हृदय कमल के ऊपर विशुद्ध चक्र में इनमें से अनेक शक्ति चालन में समर्थ होंगे। आज्ञा चक्र भेदन किसका होगा, इसका पूर्वानुमान करना किसी के वश में नहीं। फिर मैंने प्रश्न किया, कुंडलिनी जागरण या उत्थापन क्या है? उन्होंने कहा, कुंडलिनी जागरण या चैतन्य बड़ी बात नहीं, चालन अर्थात उत्थापन मुख्य है। कुंडलिनी चैतन्य या जागरण संयत जीवन में गृहस्थ भी जप सिद्धि के लिए करते हैं, योगी जन षट चक्र भेदन के लिए चालन क्रिया करते हैं और षट चक्र भेदन उनके लिए मुख्य है। षट चक्र का आज्ञा चक्र जिसका नाम कूटस्थ है, आज्ञा चक्र भेदन होने पर बाकी सभी ग्रंथियां स्वाभाविक रूप से मुक्त हो जाती हैं। मैंने फिर प्रश्न किया, इस योगाभ्यास में सहायक का कितने दिनों के लिए प्रयोजन है? उन्होंने कहा, ऊर्ध्वरेता साधन में नाभि केंद्र में शक्ति चालन होने पर सहायक की और अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, अधिकतम 25 दिनों तक ही सहायक वांछनीय होते हैं। आखिरी प्रश्न, सुषुम्ना द्वार में कुंडलिनी संयोग के लिए कौन सी नाड़ी आकर्षित की जाती है, कुहू या संखिनी? उत्तर दिया, नाड़ी आकर्षण में कौशल के अनुसार कुहू एवं संखिनी दोनों ही प्रयोजनीय हैं। पृथक पृथक अभ्यास के द्वारा उसे सिखाया जाता है, लेकिन शक्ति चालन के समय कुहू आकर्षण में कुंडलिनी सुषुम्ना में संयुक्त होती है। तिब्बत में शक्ति चालन और भेदन प्रक्रिया भी अभिनव है, इससे अधिक अप्रकाश्य विवेचना नहीं कर सकता। भाग 5 में वर्णन यहीं तक। भाग 6 में हम जानेंगे कि लामा जी का ज्ञानगंज यात्रा के लिए आदेश आना तथा स्वामी जी की ज्ञानगंज यात्रा की तैयारी तथा ज्ञानगंज यात्रा का अनुभव। आज का भाग यदि पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिएगा और 1 से लेकर 5 भाग तक आप एक एक करके देखें तो आपको और अधिक समझ में आएगा। तो भाग 1 से भाग 4 तक देखना ना भूलें। जल्द ही आपसे मिलती हूँ भाग 6 में।